nosso vídeo. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कोलन में ईद मिलन पार्टी पे, सब दोस्त इकट्ठी होके। तो आइए आपको भी साथ लेके चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे माशाल्लाह कितने अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं, और बहुत अच्छा लगता है। पहले भी हम 14 अगस्त को गए थे पिछले साल, तो अब आज फिर जाने लगे हैं। तो आप भी साथ रहिएगा, फिर दोबारा अगर कहीं हुआ तो आप सबको भी बताएंगे, आप भी आइएगा। ये अभी 12:10 हो गए हैं, तो अभी हमारी ट्रेन आ गई है, सब दोस्त से यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, तो अभी निकलने लगे हैं। आज हम एक पार्ट वन आपको दिखाएंगे, कल को फिर दूसरी वीडियो में पार्ट टू आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा अच्छा ये सारी चीज़ें हैं, सारा आपके साथ शेयर करेंगे, जाते हुए भी, वापसी पे भी, कितने बजे हम वापस आ रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा कैसा लगता है। माशाल्लाह बहुत, आपको पता परदेश में ईद गुजारना बहुत मुश्किल है। चलो कभी कभार ऐसे कुछ दोस्त हैं इकट्ठी हो के मिल बैठे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए और चलते हैं। ऐसे ट्रेन में बैठे बैठे बाहर देखते देखते इंसान कई बार उदास हो जाता है, बहुत सारी यादें घूम जाती हैं दिमाग में, कि बस कुछ बता नहीं सकते। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। तो अभी हमने यहाँ पे उतरना है, आगे और भी दोस्तें आई होंगी, फिर सब इकट्ठे होके तो आगे चलेंगे।
जहाँ पे एक हॉल है वहाँ पे ईद मिलन पार्टी रखी है उन्होंने ना, सब फिर दोस्तें सब फैमिलियाँ उधर इकट्ठी होंगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। आप भी ज़रूर फुल वीडियो देखना, एंजॉय करना। यहाँ पे सोच ही पड़ रही हूँ अभी, बस थोड़ा ये एक दो स्टॉप रह गए हैं, फिर आगे उतरते हैं। बाहर देखते देखते सोचते सोचते कहाँ के कहाँ पहुँच जाता है इंसान, कई यादें घूम जाती हैं दिमाग में कि पहले भी आए थे एक दो बार, आज हमारी दोस्त के साथ नहीं है, और एक दोस्त बहुत प्यारी मेरी, वो हमेशा मेरे साथ होती है। आज उनके घर 2 दिन 2 3 दिन पहले डेथ हो गई थी उनकी नंद की, इसलिए वो आ नहीं सकी, तो उसकी वजह से मैं कुछ उदास हूँ। इकट्ठे आते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसकी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही है आज, बहुत ही ज़्यादा। अभी हम नीचे उतरने लगे हैं, आ गए हैं कोलन, तो आगे दूसरी दोस्तें वेट कर रही हैं, उनको मिलते हैं जाके, तो फिर इकट्ठे होके तो दूसरी ट्रेन में बैठ के वहाँ से आगे चलते हैं। ये सब जा रहे हैं, एक ही जगह इकट्ठी होंगी तो फिर वहाँ से आगे चलेंगे। देखें बाहर का व्यू कितना अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है। हर कोई परदेसी अपने अपने मंजर की तरफ गामजा है। ये हमारी दोस्तें खड़ी हैं तो हम भी आ गए इनके पास। अभी हमारी अगली ट्रेन आएगी तो फिर इकट्ठे यहाँ से आगे निकलेंगे। अभी यहाँ पे हम उतरे थे तो अभी आगे दूसरी बस पकड़नी है। आज अच्छा खासा चंगा लंबा सफ़र है, पहले एक बस ट्रेन, फिर एक ट्रेन, फिर अभी दूसरी बस, तो इस पे बैठ के तो फिर अभी आखिरी स्टॉप है होगा वही, वहाँ पे उतरेंगे जहाँ पे हम जाने के लिए निकले हुए हैं। तो चलते अभी चलते हैं, देखते हैं आगे कितना रह गया सफ़र। फर्स्ट टाइम आए हैं इस जगह पे ना, अभी हम आज आखिरी बस में हैं, इसी से उतर के तो फिर हॉल में चले जाना।
आप भी देखिएगा, साथ रहिएगा। आज ये इतनी हमारी वीडियो है, इसको अच्छे से देखना और दुआओं में याद रखना। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कमेंट सेक्शन में बताया करें कौन सी चीज़ अच्छी है नहीं अच्छी, फिर आगे से इंसान एहतियात करे और वो सब अच्छी चीज़ें बनाएं जो कोई आप पसंद करते हो। तो ये हम उतर गए हैं बस से, तो अभी जाने लगे अंदर हॉल में। उसके बाद फिर अगली जो वीडियो है पूरी उस जगह की, वो आपको दूसरी वीडियो में आएगी, क्योंकि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाती है, फिर देखने वाले बोर हो जाते हैं, इसलिए आधा हिस्सा मैंने आज डाला है। तो आधी इंशाल्लाह ताला कल में आएगी। तो अब ये हॉल तक पहुंचते हैं, पहुंच के तो फिर आपको खुदा हाफिज़ करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा अगली वीडियो में देखना। ये सामने हॉल है, वहाँ पे जा रहे हैं हम। काफ़ी माशाल्लाह ये सब दोस्तें वहाँ से हमारे साथ इकट्ठी हुई थी, बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आया इनके साथ हमें। तो ये सब लोग आ रहे हैं अभी हॉल में, अंदर एंटर हो गए हैं हम। माशाल्लाह बहुत रौनक है, काफ़ी बड़ा खुला है, बहुत सारी फैमिलियाँ। अभी तो काफ़ी बढ़ेगा, फिर पूरा सब दोस्तें मिलके फिर बैठ के मज़े उड़ाएंगे। तो उसके बाद फिर कल वाली वीडियो में आपको अगला सारा हिस्सा दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखना, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।